वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। अभी जैसे कल रात को बताया, जैसलमेर में है हम लोग, तो जैसलमेर का फोर्ट देखने जा रहे। अभी थोड़ा लेट हो गया, देखो सब अपने पीछे लोग, तो अभी मिलते हैं जैसलमेर फोर्ट पे। यहाँ से जस्ट 200 मीटर के दूरी पे जैसलमेर फोर्ट है, यहाँ से दिख ही रहा है। हमने लोकेशन ही वैसे स्टे के लिए लिया था कि सब नज़दीक पड़े। अभी पहले ब्रेकफास्ट करते कुछ यहाँ का फेमस लोकल फूड और फिर जैसलमेर फोर्ट जाते हैं। तो ये देखो जैसलमेर फोर्ट, वहाँ पे इट्स अ लिविंग फोर्ट। अंदर आज भी उसी टाइप की वाइब्स मिलती है जैसे पहले, सालों सदियों पहले जैसे लोग रहते थे। तो वो देखेंगे, अंदर बाज़ार भी है, मार्केट भी है, सब वो भी देखते हैं। तो अभी हमने भी गाइड ले लिया और देखो यहाँ पे भी अनाउंसमेंट हो रहा है और यहाँ से 50 मीटर के दूरी पर जैसलमेर फोर्ट। और अभी से देख सकते हो आप इसको जो गोल्डन सिटी बोलते हैं, मुझे मोस्टली 90% सब वही गोल्डन सैंड वैसे सब कलर से यहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन हुआ रखा है। और ये देखो ऊपर फोर्ट, अभी उधर ही जा रहे हैं अपन। तो अभी हम लोग फेमस दाल पकवान खाने आए हैं। देखो वहाँ पे लिखा है सोनम कपूर की शादी में ये दौलत का दाल पकवान गया था, और यहाँ पे भी है फेमस दाल पकवान। मैं खा चुका हूँ पहले भी गुजरात में, और आफ्टर लॉन्ग अब मैं और खा रहा हूँ। ट्रैफिक बहुत है यहाँ पे, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसलिए। और वो देखिए ऊपर सब टूरिस्ट लोग दिख रहे हैं, वहाँ पे भी जाएंगे। अब गाइड ले लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ पे क्या घूमना है इजीली पता चल जाएगा। तो ये जैसलमेर फोर्ट का मेन दरवाज़ा, और अभी अंदर जा रहे हैं। सेकेंड गेट सूरज पोल, सूरज का फर्स्ट ग्रेन इसी गेट के ऊपर आता था, गेट का नाम सूरज पोल। सो ये गोल्डन स्टैचू, लिविंग स्टैचू है भी, जो मुंबई में नरीमन पॉइंट पे, यहाँ पे भी वैसा। सो अभी ये दूसरा गेट आएगा। सो टिकट है यहाँ पे 200 रुपीज़ पर पर्सन। सो अभी हम आए म्यूजियम में, यहाँ पे वेपन्स और ये हैंडमेड वेपन्स है, घर घर में बनाते थे उस समय ये। यहाँ पे देखो ये भाले, जो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हैंडसम राजा थे महारावल ब्रजराज सिंह जी, तो उनका शादी नेपाल में हुआ था, तो उनको दहेज में आया था नेपाल का कुखरी, जो महारावल ब्रजराज सिंह जी को दहेज में आया था। पीछे है भाले, अगर घोड़े के ऊपर बैठकर आपको किसी के ऊपर आसानी से वार करना हो भाले से होगा।
ये देखो राजा महाराजाओं की तलवार है, बड़ी तलवार उनके खुद के लिए, छोटी तलवार उनके बच्चों के लिए। बच्चा जब 8 से 10 साल का हो जाता था तो उसको तलवारबाजी कराना सिखा देते थे, क्योंकि नेक्स्ट में उसे किंग बनना, किंग बनने के लिए तलवारबाजी आता था। अलग अलग स्टैंड है, अलग अलग जैसा राजा होता है आता था तो उसको चुबाया जाता, एलिफेंट अपने कंट्रोल में आ जाता था। पुराने टाइम में लोग एलिफेंट से बात करते थे। देखो कैमल के ऊपर 2 बंदे बैठते थे, आगे वाले के कंधे के ऊपर रखकर पीछे वाला बंदा चलाया। 2 बंदों की मदद से चलते थे, तब उसे बोलते हैं कैमल। जैसलमेर के राजा का लोगो था चांद की तरह, तो हर किसी राजा का अलग अलग लोगो। कहीं पर भी वार करते थे तो सामने वाली सेना को पता चल जाता था ये जैसलमेर के राजा ने अटैक किया, तो चोरी छुप कर नहीं करते थे, सबके सामने करते थे, सीने पर वार बोलते ना, आप तो बोलते पीठ पीछे वार करने वाला है। तो खुल ले आप, हमारा लोगो आप देख लो, हमने यहाँ तक गन पाउडर भर के रखते थे इसके अंदर, और ये लाइटर है, और ये देखिए अफीम वगैरह काटने के लिए होता था, ये गन है। अभी हम जा रहे हैं दीवान खान। देखिए कैसे पतले पतले रोड, ओके यहाँ पे उनके जो वस्त्र बोलते हैं राजाशाही वो रखे गए, सबसे सिंहासन है यहाँ पे। ये बनते हैं, बैठते हैं, ब्राह्मण लोग आगे आगे आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बाहर पब्लिक वेलकम करता, पूरा सिल्वर से बनाया गया, पीछे अम्ब्रेला प्योर गोल्ड कपड़ा उसका, गोल्ड नहीं छाता धागा, धागा नहीं वो नीचे से देखो ना पूरा डिजाइन, नहीं नहीं डंडा वगैरह गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वो रहते ना, और वो डंडा और वेलकम, और ये छोटे छोटे यहाँ से अनाउंसमेंट होती थी सब किंग की, इनको बोलते हैं ऑल टाइम के सीसीटीवी, जहाँ आप बाहर वाले इंसान को देख सकते हो, बाहर वाला इंसान आपको नहीं देख सकता। सो ये थे पहले किंग महारावल जैसल देव, उनके बाद 44th जनरेशन जो अभी प्रेजेंट है वो 44th जनरेशन है। ये रहे यहाँ के सबसे लंबे राजा महाराजा, तो एक मारूंगा 3 दिन तक खड़ा नहीं होगा, एक मारूंगा 3 दिन तक खड़ा नहीं होगा, ओके इन्होंने वो डायलॉग, अच्छा एक मारूंगा 3 दिन तक खड़ा नहीं रहेगा। महारावल ब्रजराज सिंह जी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हैंडसम राजा, महारावल ब्रजराज सिंह जी, इनके छोटे भाई महारावल पृथ्वीराज सिंह जी, इनके बड़े बेटे जो अभी यहाँ प्रेजेंट टाइम में किंग है वो ये रहे, 28 इनका एज है, अपने पिता से भी खुश। तो अभी हम आए हाईएस्ट पॉइंट पे, जिधर से पूरा जैसलमेर सिटी फोर्ट सब दिखता है। देखा पूरी सिटी का 360 व्यू आएगा यहाँ से, अपन कहीं भी देखो यहाँ से कहीं भी देखो दिखेगा। जैसे बोला जाता है जैसलमेर इज अ गोल्डन सिटी, तो आप देखो मोस्टली 90% सब गोल्डन है ये देखिए, और ये दिस इज अ लिविंग फोर्ट, तो देख सकते हो आप, जैसे देखो कपड़े सूख रहे टेरेस पे, तो फैमिलीज वहाँ पे रह रही है, और कुछ कुछ होटल्स भी अंदर है। हवेली है ठीक है, और वहाँ पे आप देखो रेलवे स्टेशन है, विच इज़ अ लास्ट स्टेशन, लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया फॉर दिस साइड, उसके आगे कुछ नहीं है। अच्छा हाँ वो है अभी।
वहाँ पे रह रहे वहाँ पे। और वहाँ पे देखो विंड मिल्स कितने सारे, हम भी आए वहीं से, बहुत विंड मिल्स है वहाँ पे। देख विंड मिल्स कितने, वही लगे थे कल शाम को, रात को दिख रहा था ना, चारों ओर लगे हैं। करके 7.5 फुट और 250 kg उनका वेट था, तो उनका वो वस्त्र रखा हुआ है। अभी इतने 4-5 लोग आए। ब्राह्मण बीच में राजा रानी का महल, ये फर्स्ट गेट जहाँ अपन एंट्री लिया। अखे पोल, सूरज पोल, गणेश पोल, हवा पोल, बीच में दशहरा चौक। दशहरा चौक उस साइड में 20% आपको 80% मिला, उस साइड में पूरा वेजिटेरियन, इस साइड में पूरा नॉन वेजिंग, बीच में राजा रानी का महल मिक्स है। अच्छा, तीन दीवार मस्जिद गेट और ये तीन दीवार ऐसे गोल गोल 99 क्लॉक टावर बने हुए, तो पुराने टाइम की चौकी होती थी, वहाँ सैनिक तैनात रहते थे। इधर आ जाइए, ये महारानियों का कक्ष है, यहाँ पर महारानियाँ बैठा करती थी। एक राजा की 13-13 महारानियाँ होती थी उस टाइम, आज तो एक रानी 100 परेशान। देखो इधर महारानी की गादी है, ये ना गाँव में औरतें पहनती है ड्रेस, तो लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस, कैमल फूल का शॉल, हमारे कैमल फूल फेमस है। सिटी का व्यू है ऑल टाइम का, जिसमें पुराने मिट्टी के घर है, फर्स्ट गेट का फोटो है, मंदिर पैलेस जो राजा जी का पैलेस है, जहाँ राजा जी रहते, राजा जी का होटल है, सालम सिंह का हवेली है, सैनिक है जो सैनिक में फेमस आकर है, लोकल गलिया कोर्ट का व्यू वगैरह है, देखते रहो आराम से। वो बनवा हुई है ये राजा।